आज एक बार और प्रभु ने इस तरह से एक और धन्य अवसर दिया, उसके लिए मैं प्रभु का शुक्रगुजार हूँ। जैसा मैं हमेशा याद दिलाता हूँ, प्रभु के वचन को खोलकर अपने वचन के द्वारा प्रभु हमसे जो बोलना चाहते हैं उस वाणी को ध्यान से पूर्ण समर्पण के साथ सुनना मेरे और आपके जीवन की बड़ी धन्य बात है। और जितने अवसर हमको मिलते हैं उसमें से हर अवसर का उपयोग हमको भरपूर करना चाहिए। पिछले हफ्तों में हम प्रभु के वचन से प्रभु ने मनुष्य की सृष्टि कैसे की, वहाँ से लेकर आगे प्रभु के वचन में जो इतिहास प्रभु ने मेरी और आपकी जानकारी के लिए लिखा है उस इतिहास का अध्ययन कर रहे थे। ये इतिहास प्रभु ने सिर्फ हमारी जानकारी के लिए ही नहीं बल्कि आत्मिक जीवन में मुझे और आपको शिक्षा देने के लिए, प्रोत्साहन देने के लिए, और इतना ही नहीं, यदि हम कोई गलत बात करते हैं जीवन में तो उस गलत बात में हमको करेक्ट करने के लिए या उलाहना देने के लिए, और उसके अलावा परमेश्वर के वचन के अन्य उपदेश हमको समझाने के लिए प्रभु ने इतिहास रखा है। और इतिहास में अभी तक हमने जो कुछ पढ़ा है उसमें हमने ये सारी बातें पाई हैं। पिछले हफ्ते प्रभु के वचन से हमने देखा था कि प्रभु ने मनुष्य की सृष्टि करके जब उसको इस पृथ्वी पर रखा तो मनुष्य बहुत अधिक फूलने और फलने लगा। प्रभु ने यही मनुष्य से कहा था, फूलो, फलो, बढ़ो, सब जगह फैल जाओ और सारी पृथ्वी को और सारी पृथ्वी पर जितने अन्य प्राणी हैं, जीव जंतु हैं, उन सबको अपने नियंत्रण में ले लो। इस बीच आदम और हव्वा के सबसे बड़े दो बेटे जो थे उसमें से एक ने किसानी शुरू की। इस तरह से पेड़ पौधों पर नियंत्रण उसने करना शुरू किया तो काइन नाम के जो बड़ा बेटा था, बड़े बेटे ने खेती किसानी शुरू की, छोटे बेटे ने जानवरों को पालना शुरू किया। ये घटना भी हमने देखी। उसके बाद जब बहुत अधिक मनुष्य पृथ्वी पर बढ़ गया तब हम देखते हैं कि प्रभु के पुत्रों ने मनुष्य की पुत्रियों को देखा कि वो सुंदर है और जिसको जो चाहा विवाह कर लिया। प्रभु के पुत्र कौन है, मनुष्य की पुत्रियां कौन थे, हमारा प्रश्न ये नहीं है। जब प्रभु का वचन कहता है कि एक साइड प्रभु के पुत्र थे और दूसरी ओर मनुष्य की पुत्रियां थीं, तो उससे हम स्पष्टतया समझ सकते हैं कि ये दोनों एक दूसरे से पूर्णतया भिन्न लोग थे। प्रभु के जो बेटे और बेटियां हैं उनको ऐसे ही लोगों से विवाह संबंध करना चाहिए जो स्वयं प्रभु में हैं, जिससे कि वे एक साथ प्रभु की आराधना कर सकें और जब उनके परिवार में बच्चे पैदा हों तो दोनों उन बच्चों को प्रभु के बारे में बता सकें। और हम जानते हैं कि प्रभु ने कितना टाइम मनुष्य को दिया। नूह बाबा से बोला कि जाओ एक अति विशाल जहाज बनाओ और उसके साथ साथ सब जगह प्रचार करो, तो 600 साल की उम्र में, 600 के आसपास जब वो जहाज बनाने लगे, सब जगह जाके जब उन्होंने प्रचार किया, बार बार प्रभु ने ये बात लोगों को बताई कि देखो मनुष्य का कुकर्म, मनुष्य के बुरे काम इतने अधिक हो गए हैं कि मैं मनुष्य को नाश करने वाला हूँ, लेकिन मैं अति कृपालु, अति दयालु प्रभु हूँ और इस कारण जो भी यहाँ पर आकर इस जहाज में प्रवेश करेगा वो जीवित रहेगा। कुछ नहीं करना है, कोई टिकट नहीं लेना है, बस यहां तक आ जाओ और इस जहाज में प्रवेश कर लो, तुमको उस वो जो विनाश है उससे मुक्ति मिलेगी। लेकिन हम देखते हैं कि मनुष्य का पाप और मनुष्य के कुकर्म इतने बढ़ गए थे कि नूह और उसके परिवार कुल मिलाकर 8 लोगों के अलावा उस जहाज में कोई नहीं आया। बाकी लोगों ने तो उसका मजाक भी उड़ाया कि बाबा जी का दिमाग खराब हो गया है, क्या यहाँ पे पानी बरसेगा, और वो भी इतना पानी बरसेगा कि इतने बड़े जहाज की जरूरत पड़े जिसमें बच सके। लेकिन जैसा प्रभु ने बोला वैसा ही हुआ था। महान, अति भयानक प्रलय आया,
पृथ्वी पर जितने जीव जंतु थे, जितने पक्षी थे, सब मर मिटे, ये 8 लोग बचे। एक साल के बाद जब ये लोग जहाज से बाहर आए, तब हम एक विशेष बात देखते हैं। हम बाइबल से उत्पत्ति की पुस्तक का अध्ययन कर रहे हैं, उसके 9वें अध्याय से मैं आपको पढ़ के सुनाने जा रहा हूँ। 9वें अध्याय के पहले पद में ऐसा लिखा हुआ है, उत्पत्ति 9:1 में, प्रभु ने नूह और उसके पुत्रों को आशीष दी, अनुग्रह दिया, उनसे कहा फूलो फलो बढ़ो। लेकिन उसके साथ साथ एक आज्ञा और है, पृथ्वी में भर जाओ। इसका मतलब क्या है कि जहां पर तुम हो वहां से दूर 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 तक, जब तुम्हारे बाल बच्चे होंगे, दूर दूर तक फैल जाओ और इतना फैल जाओ कि सारी पृथ्वी पर भर जाओ। सारी पृथ्वी पर भर जाओ, ये सारी पृथ्वी बहुत बड़ी है, हम खुद जानते हैं कि कितनी बड़ी है। हिंदुस्तान में एक जरा सा देश है, इसमें 125 करोड़ लोग हैं। इस तरह के कितने ही देश है, कुल मिलाकर 6 अरब के करीब, मतलब 600 करोड़ के करीब लोग हैं जो सारी दुनिया में आज फैल कर जी रहे हैं। तो ये प्रभु की आज्ञा थी कि तुम लोग सारी पृथ्वी पर फैल जाओ। ये विशेष रूप से हम ध्यान से देखें, फैल जाओ, सारी पृथ्वी को भर दो। अब यहां एक विशेष बात हम देखते हैं जो हम में से हर एक को समझनी चाहिए। इसके पहले वाले अध्याय में हम देखते हैं कि परमेश्वर के पुत्रों ने मनुष्य की पुत्रियों से जिसने जो चाहा विवाह किया, वहां पर एक जाने पहचानी हुई आज्ञा का उन्होंने उल्लंघन किया। शुरू से ही प्रभु की आज्ञा यह थी कि जो प्रभु के रास्ते पर चलता है उसको सिर्फ ऐसे व्यक्ति से विवाह करना चाहिए जो स्वयं प्रभु के रास्ते पर चल रहा है। क्यों? इसलिए कि पुरुष और स्त्री एक सिक्के के दो साइड हैं, दो पहलू हैं, और जब तक दोनों पहलू एक दूसरे से मेल नहीं खाएंगे तब तक सही नहीं होगा। लेकिन अध्याय 9 में तो ये आज्ञा, इसको समझना आसान है, क्यों एक विश्वासी को एक विश्वासी से विवाह करना चाहिए, ये हम समझ सकते हैं। क्यों? जिससे कि दोनों अपने परिवार को, आगे की पीढ़ी और पीढ़ियों को प्रभु के रास्ते पर चला सके। लेकिन कई बार प्रभु जो आज्ञा देते हैं वो मनुष्य की समझ में नहीं आता है। क्यों दिया प्रभु ने आज्ञा, क्यों दी, इसके पीछे प्रभु का मकसद, प्रभु का उद्देश्य क्या है? ऐसी एक आज्ञा यहाँ 9वें अध्याय के पहले पद में हम देखते हैं। प्रभु ने नूह और उसके पुत्रों को आशीष दी, उनसे कहा फूलो फलो बढ़ो। उसके बाद प्रभु ने कहा, क्या कहा, पृथ्वी में भर जाओ। इसका क्या कारण है? प्रभु ने कारण नहीं बताया है, कोई कारण नहीं बताया है। तो इससे हम इस बात को समझते हैं कि प्रभु के वचन में प्रभु अपने बच्चों को जो आज्ञाएं देते हैं उनमें से कुछ आज्ञाएं ऐसी हैं जिसको हम क्लियरली, स्पष्टतया समझ सकते हैं कि उसके पीछे प्रभु का उद्देश्य क्या है। लेकिन प्रभु ऐसी आज्ञाएं भी देते हैं जिनके बारे में एकदम हमको समझ में नहीं आता कि इसका कारण क्या है। लेकिन प्रभु के बच्चों की जिम्मेदारी है कि प्रभु हमको जो आज्ञा देते हैं उस आज्ञा का कारण समझ में आए या ना आए, हमको आज्ञा पालन करना है। अपने ही परिवारों से मैं ये उदाहरण देना चाहता हूँ। जब अपन अपने बच्चों को कोई आज्ञा देते हैं तो उसमें से हर आज्ञा को बच्चा नहीं समझ पाता है, लेकिन बच्चे की जिम्मेदारी है कि माँ बाप जो उससे कहें उस आज्ञा का पालन करें। एग्जैक्टली इसी तरह से जिस तरह से हमारे इस पृथ्वी पर माँ बाप, जिनका अल्प जीवन है, जिनकी बुद्धि अल्प बुद्धि है, जब वे हमको इस तरह की आज्ञाएं देते हैं जिसको एकदम से हम समझ नहीं पाते, तो सर्वशक्तिमान प्रभु, सर्वज्ञानी प्रभु, सर्वव्यापी प्रभु, प्रभु जो प्रेम है, वे जब हमको कोई आदेश देते हैं, कोई आज्ञा देते हैं, तो वो आज्ञा यदि हमको समझ में नहीं आती है तो भी हमको उस आज्ञा का पालन करना है।
वो है जो बात मैं आज आपको बताना चाहता हूं। पहली बात, पिछले हफ्ते हमने जो पढ़ा था उससे, और प्रभु का वचन हमसे जो बोलता है उसके आधार पर आज मैं याद दिलाना चाहता हूं कि प्रभु ने अपने बच्चों के लिए एक निश्चित योजना तैयार की है। आपके जीवन के लिए प्रभु की योजना अलग है, मेरे जीवन के लिए अलग है, आप लोगों के लिए अलग है, लेकिन हर बच्चे के लिए प्रभु की एक योजना है। यदि मेरे और आपके जीवन में प्रभु की योजना पूरी होनी है तो हमारे लिए ये जरूरी है कि प्रभु ने अपने वचन में जो आज्ञाएं दी हैं उन आज्ञाओं को माने। अब आज्ञाओं को मानने की जब बात आती है तो कुछ आज्ञाएं तो हमको समझ में आ जाती हैं कि उसका कारण क्या है, उनको तो हम मान लेते हैं। कुछ आज्ञाएं समझ में नहीं आती है, लेकिन समझ में आए या ना आए, ये आज्ञा चूंकि प्रेम करने वाले, स्नेह करने वाले, करुणामयी प्रभु ने दिए हैं, इसलिए इन आज्ञाओं को मानना जरूरी है। लेकिन दसवें अध्याय में, नौवें अध्याय में आगे प्रभु ने एक बात और बोला था। चौदहवें पद में हम देखते हैं, जब मैं पृथ्वी पर बादल फैलाऊं और बादल में धनुष दिखाई दे, तब मैं स्मरण करूंगा कि मैंने मनुष्य के साथ एक वाचा बांधी है। बरसात के बाद जब पानी आकाश में धनुष दिखाई देता है तो ऐसा ना सोचें कि जो हो रहा है अपने आप हो रहा है, नहीं, इसके पीछे एक डेफिनेट कारण है, और वो बादलों में जो धनुष दिखाई देता है वो मनुष्य के लिए और प्रभु के लिए भी एक यादगार है। यादगार एक बहुत बड़ी चीज है ना, हम सब, अपन सबके जीवन में कुछ ना कुछ याद करने लायक बातें होती हैं जिनको हम ना केवल याद करते हैं, कुछ चीज़ों को तो घर पे टांग के रखते हैं। जैसे बच्चों को स्पोर्ट्स वगैरह के लिए कोई कप या मेडल मिलता है तो घर में जहाँ पर हर कोई देख सकता है ऐसी जगह पर वो उस कप को या मेडल को रख देता है, या कोई शील्ड मिले तो हम उसको ऐसी जगह पर रख देते हैं जिससे कि घर में आते जाते समय हम उसको देख सकें। मेरे घर में यदि आप आएंगे तो वहाँ पर लकड़ी की एक अलमारी है, उसके ऊपर मेरे माँ बाप के चित्र और मेरी वाइफ के माँ बाप के चित्र वहाँ रखे हुए हैं। क्यों? इसलिए कि हम हमेशा अपने माँ बाप को याद करके अपने मन में उनके प्रति जो आभार है उस आभार को प्रतिदिन नवीकरण, उसको रिन्यू करना चाहते हैं। क्यों? उन्होंने अपने जीवन में हर तरह से शारीरिक और मानसिक रूप से त्याग करके अपनी बुद्धि में उनको जो अच्छे से अच्छा लगा उस हिसाब से उन्होंने मेरे और मेरी पत्नी के लिए की, इसलिए हम उनको याद करते हैं। तो यादगार का हमारे जीवनों में बहुत अधिक महत्व है। लेकिन यदि आपको लगता है कि यादगार का महत्व सिर्फ मनुष्य के लिए, ऐसा है नहीं। इवन प्रभु अपने आप को याद दिलाने के लिए प्रभु ने यहां पर एक यादगार बादलों में सात रंगों का वो धनुष रखा है, और प्रभु ने स्पष्टतया बोला कि जब जब मैं उसको देखूंगा, जब तो मैं स्मरण करूंगा कि मैंने मनुष्य के साथ एक वाचा बांधी है। और वो वाचा क्या है? वाचा यह है कि इस जल प्रलय में मैंने सारी पृथ्वी के सारे जीव जंतुओं को नष्ट कर दिया, लेकिन आइंदा कभी भी किसी भी समय मनुष्य कितना भी दुष्ट क्यों ना हो जाए, लेकिन मैं सारी पृथ्वी को नष्ट नहीं करूंगा। यही धनुष जो बादलों में है ये मनुष्य के लिए भी एक यादगार है। मनुष्य के लिए क्या यादगार है? मनुष्य के लिए यादगार यह है कि जिस तरह से नूह के समय में प्रभु ने सारी दुनिया में सबको समाप्त कर दिया था, नाश कर दिया था, वैसा कभी भी अब मनुष्य के इतिहास में नहीं करेंगे, बल्कि जो गलती करता है उसको सजा देंगे, लेकिन वो सजा अब कभी सारी पृथ्वी पर एक साथ नहीं पड़ेगा। ये प्रभु ने बहुत क्लियरली मनुष्य को बताया। इसके बाद क्या हुआ?
मनुष्य जो है प्रभु की आज्ञा के अनुसार उसी तरह से बढ़ने लगा, उसकी जनसंख्या खूब बढ़ने लगी। और जब मनुष्य की जनसंख्या खूब बढ़ने लगी तो एक विचित्र बात हुई जिसको हम उत्पत्ति के 11वें अध्याय में पढ़ते हैं। उत्पत्ति के 11वें अध्याय के शुरू में हम इस तरह से पढ़ते हैं, सारी पृथ्वी पर एक ही भाषा और एक ही बोली थी। क्या जमाना रहा होगा वो जब सारी पृथ्वी के लोग सिर्फ एक भाषा बोलते थे। आज देखिए हम यहाँ पर मुश्किल से एक छोटा सा ग्रुप इकट्ठा हुआ है, लेकिन इस छोटे ग्रुप में ऐसे कई लोग हैं जो हिंदी नहीं समझते, मतलब अच्छी तरह से नहीं समझते। ऐसे कई लोग हैं जो मलयालम अच्छी तरह से नहीं समझते। ऐसे दो चार ऐसे भी लोग हैं जो हिंदी भी समझ लेते हैं, मलयालम भी समझ लेते हैं, अंग्रेजी भी समझ लेते हैं। लेकिन परेशानी क्या है कि आज इस छोटी सी सभा में, जरा सी सभा है, इसके बावजूद एक ऐसी भाषा नहीं है जिसको हर कोई एक बराबर समझ सके और जिसका आनंद हर कोई एक समान ले सके। लेकिन ऐसा नहीं था। एक युग ऐसा था जब सारी पृथ्वी पर एक ही भाषा थी, एक ही बोली थी, सब लोग एक दूसरे की भाषा समझते थे। उस समय क्या हुआ? उस समय लोग पूर्व की ओर चलते चलते शिनार देश में एक मैदान पाकर उसमें बस गए। आजकल ईरान और इराक और इसराइल आदि का जो इलाका है, ये इतिहास प्रभु के वचन में उस इलाके में ये सारी घटनाएं हुई। जल प्रलय के बाद जब वो लोग उस इलाके में पहुंचे तो एकदम से समतल भूमि उनको दिखाई दी। हम खुद जानते हैं कि पहाड़ हो, पहाड़ियां हो, वहां पर खेती बहुत मुश्किल होती है। लेकिन यदि जमीन एकदम से समतल हो, एकदम से प्लेन हो, सपाट हो, तो वहां पर खेती करना आसान होता है, मकान बनाना आसान होता है, हर कार्य आसान होता है। तो इसलिए उनको लगा कि अरे ये तो बहुत ही बढ़िया प्रदेश है, तो एक मैदान पाकर उसमें बस गए। प्रभु ने यही तो कहा था कि जाओ, फैल जाओ, फलो फूलो। यही काम वो लोग कर रहे थे। पूर्व की ओर गए, एक अच्छा सा प्रदेश देखा, उसको देख के वहां पर बस गए या सेटल हो गए। ये तो प्रभु की आज्ञा के अनुसार था। लेकिन तीसरे पद में सब गड़बड़ कर दिया उन लोगों ने। तीसरे पद में लिखा है, तब उन्होंने आपस में कहा कि ईंटें बनाकर अच्छी तरह से आग में पकाकर एक शहर बनाएं। ये तो अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। प्रभु ने ही तो कहा था कि सारी दुनिया में फैल जाओ, और जब वो सारी दुनिया में फैल जाएंगे तो जहां जहां वो लोग फैल जाएंगे वहां पर सूरज और बरसात से क्षमा कीजिए, सूरज से, बरसात से, उन जमाने में तो जंगली जानवर बहुत हुआ करते थे, तो जंगली जानवरों से सुरक्षा के लिए मकान बनाना, और एक साथ एक जगह जब बहुत सारे मकान हो जाएंगे तो वहां पर नगर बनाना, ये तो अच्छी बात है। प्रभु ने जो आज्ञा दी थी उसी आज्ञा का वो लोग पालन कर रहे थे। लेकिन मनुष्य के साथ यही गड़बड़ है। प्रभु की तरफ से हर तरह का अनुग्रह मिलने के बाद प्रभु की इच्छा के अनुसार काम करते 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 जब सब अच्छा हो रहा तब थोड़ा सा टेढ़ा हो गया। यहां लिखा हुआ है कि नगर और एक गुम्मट बना ले जिसकी चोटी आकाश से बात करे। गुम्मट क्या है? कुतुब मीनार के समान एक बहुत बड़ा मीनार बना ले। तो मीनार बना ले तो उसमें क्या बात है, क्या बुरी बात है? वो लोग वो मीनार कुतुब मीनार से भी ऊंचा वो मीनार क्यों बनाना चाहते थे, ये आगे लिखा हुआ है। वहां लिखा है, हम एक नगर और एक मीनार बना लें जिसकी चोटी आकाश से बातें करें। मतलब वो इतनी ऊंची हो कि यहां से खड़े होके देखे
तो आपको उसका जो टॉप पोर्शन है वो दिखाई ना दे। कुतुब मीनार का तो टॉप पोर्शन दिखाई देता है, ये लेकिन ऐसा इतना ऊंचा मीनार बनाना चाहते थे कि नीचे से देखो तो उसका ऊपर का हिस्सा देख ना पाए। उसमें क्या बुरा है, आगे देखते हैं। इस प्रकार से हम अपना नाम करें, ऐसा ना हो कि हमको सारी पृथ्वी पर फैलना पड़े। प्रभु ने क्या आज्ञा दी थी, फलो फूलो और सारी पृथ्वी में फैल जाओ। तो उनको जब एक अच्छा सा समतल प्रदेश मिला तो वहां उन्होंने मकान बनाए, नगर बनाया, ये तो बहुत अच्छी बात थी, प्रभु की आज्ञा का ही पालन कर रहे थे। लेकिन आगे उन्होंने क्या किया कि एक ऐसा मीनार बनाएंगे जो इतना ऊंचा हो कि बिल्कुल आकाश को छूने लगे। क्यों? जिससे कि हमको पृथ्वी पर फैलना ना पड़े। बात समझ में आई ना, प्रभु की आज्ञा का पालन कर रहे थे लेकिन उसके साथ साथ जो है वो ऐसा रास्ता ढूंढ रहे थे कि प्रभु की रास्ता का उल्लंघन भी कर सके। मकान बनाना, नगर बनाना, पृथ्वी पर फैलना, ये तो प्रभु की आज्ञा का पालन था, लेकिन जब नगर वगैरह बनाने में वो लोग एक्सपर्ट हो गए तो उन्होंने कहा कि बहुत ही मजबूत ईंट यदि बना लो तो इतनी ऊंची मीनार अपन बना लेंगे कि आइंदा हमको पृथ्वी पर फैलना ना पड़े। मीनार फैलने से लोगों को कैसे बचा सकता है, इसलिए कि आइंदा यदि पानी बरसे और वो पानी ऊपर की तरफ उठने लगे तो हम उस मीनार में ऊपर 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 जाकर वहां पर रह सके, जिससे कि पानी के समाप्त होने के बाद वापस आकर यहीं रहे, फैलना ना पड़े। यह है ये लोग जो कर रहे थे उसके पीछे उनका उद्देश्य। प्रभु ने कहा कि फैल जाओ, उन्होंने कहा नहीं फैलेंगे, और हम तो ऐसा रास्ता ढूंढेंगे जिससे कि प्रभु चाहे कितनी कोशिश करे हमको यहां से ना तो उधर जाना पड़े ना इधर जाना पड़े। तो एक तरफ से वो लोग प्रभु की आज्ञा का पालन कर रहे थे, दूसरी ओर प्रभु की आज्ञा का उल्लंघन भी कर रहे थे। लेकिन जैसा मैंने कई बार आपको याद दिलाया है, प्रभु अपने आज्ञा का उल्लंघन बर्दाश्त नहीं करते हैं, उसको टॉलरेट नहीं करते हैं। पांचवें पद में हम देखते हैं, जब वो लोग वो नगर और वो मीनार बनाने लगे तब इनको देखने के लिए प्रभु उतर आए। प्रभु ने कहा, सब एक ही दल के हैं, भाषा भी सबकी एक ही है, और उन्होंने ऐसा काम आरंभ किया है और जो कुछ वो करना चाहेंगे वो उनके लिए असंभव नहीं होगा। ये जिस इलाके में घटना हुई थी उस इलाके में मिट्टी से ईंट बनाने की कला को उन लोगों ने बहुत अधिक डेवलप कर लिया था, इतना डेवलप कर लिया था कि 4000 साल के बाद, उस घटना के 4000 साल के बाद, 4000 से ज्यादा हो गया, 4000 सालों के बाद आज भी उस जमाने की ईंटें और उस जमाने के मकान बचे हुए हैं। जरा सोचिए, अपन मकान बनाते हैं तो आजकल तो आर्किटेक्ट बोलता है कि देखिए सर, मकान बना रहे हैं मजबूत से मजबूत हो, लेकिन ज्यादा से ज्यादा 40 साल चलेगा। मुझे ये बात लास्ट हफ्ते पता चली जब हम लोग अपने घर के पीछे पानी को सोखने के लिए एक बड़ा सा गड्ढा बना रहे थे, सोक पिट। उसके बगल में हमारा सेप्टिक टैंक है जिसके स्लैब 22 साल के हो गए हैं। तो मैंने कहा कि उसके ऊपर कुछ काम करो, तो बोला सर 22 साल के हो गए हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 30 साल तक ये रहेंगे। मैंने कहा कैसी बात करते हो, हमारे घर वालों ने जो इसके जानकार लोग हैं उन्होंने सुपरवाइज करके एक से एक मजबूत बनाया। तो वो बोला 40 साल, यदि एक से एक मजबूत हो तो 40 साल चलेगा।
उससे ज़्यादा नहीं चलेगा सर, इसलिए उसके ऊपर आप वजन ना डालें। तब जो है मुझे लगा कि देखो, मैं तो समझा था कि मेरी 7 पीढ़ियां जो है उसका उपयोग करेंगी, और यहाँ ये बोल रहा है कि हमारे खत्म होने से पहले वो खत्म हो जाएगा। मनुष्य कितना भी आधुनिक क्या, उसकी टेक्नोलॉजी कितनी भी क्यों ना बढ़ जाए, लेकिन 40-50 साल से ज़्यादा ये नहीं रहते हैं। लेकिन ये जो घटना हुई थी उस समय प्रभु ने उनको जो ज्ञान दिया था, उस ज्ञान का उपयोग करके उन्होंने जो मकान बनाए थे, वो मकान, कई मकान आज भी सुरक्षित हैं, ईंटें आज भी सुरक्षित हैं। इतना ही नहीं, वो लोग जो मीनार, कुतुब मीनार के समान बनाना चाहते थे, उस पूरे इलाके में बहुत सारे और भी छोटे छोटे मीनार हैं। उनके जितने मंदिर है वो मीनार के समान होते थे, और जो राजसी लोग थे वो अपना मकान मीनार के ऊपर बनाते थे। 4000 साल के बावजूद वो अभी भी बचे हुए हैं। तो सोचिए, यदि उन्होंने जो सोचा था वो करने की कोशिश करते तो वो लोग काफ़ी कुछ सफल हो जाए। प्रभु ने कहा है कि वो लोग सफल हो जाएंगे, मतलब मेरी आज्ञा का उल्लंघन करने के लिए मेरे द्वारा दी हुई टेक्नोलॉजी को वो लोग मिसयूज कर रहे हैं, उसका दुरुपयोग कर रहे हैं। नहीं, परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन मनुष्य कभी नहीं कर सकता है। मनुष्य जो बोएगा वो काटेगा। प्रभु ने क्या बोला? प्रभु ने कहा देखो, हम पृथ्वी में जाकर मनुष्य की भाषा में गड़बड़ी डालेंगे, जिससे कि वो एक दूसरे की बोली को ना समझ सके। 8वें पद में लिखा हुआ है, इस प्रकार प्रभु ने उनको वहां से सारी पृथ्वी के ऊपर फैला दिया, और उन्होंने उस नगर को बनाना ही छोड़ दिया। मतलब वो जो मीनार है उसको तो छोड़िए, वो नगर भी उन्होंने छोड़ दिया। 9वां पद, इस कारण उस नगर का नाम बाबुल पड़ा। बाबुल का उस समय की भाषा में बाबुल का मतलब गड़बड़, क्योंकि सारी पृथ्वी की भाषा में जो गड़बड़ी है वो प्रभु ने वहीं डाली, और वहीं से प्रभु ने मनुष्यों को सारी पृथ्वी के ऊपर फैला दिया। देखिए, प्रभु जो आज्ञा देते हैं वो आज्ञा, उसका कारण क्या है ये हमको समझ में आए या ना आए, वो आज्ञा हमको अच्छी लगे या ना लगे, लेकिन उसको मानना हमारी जिम्मेदारी है। यदि बच्चे को जो आज्ञा दी जाती है वो आज्ञा बच्चे को अच्छी लगे या ना लगे, वो पालन करना उसकी जिम्मेदारी है। उसको समझ में आए या ना आए, पालन करना उसकी जिम्मेदारी है। यदि नश्वर मनुष्य जब अपने बच्चों को आज्ञा देता है तो बच्चों को उन आज्ञाओं का पालन करना बच्चे की जिम्मेदारी है, तो अनश्वर अनादि अनंत परमेश्वर जो असीमित हमसे प्रेम करते हैं, जिन्होंने हमारी सोचने से पहले, हमारे जन्म से पहले हमारे लिए जरूरत की सारी चीज़ें, सारी चीज़ों का इंतजाम किया, सब चीज़ों का प्रबंध किया, जब प्रभु कोई आज्ञा देते हैं तो आज्ञा समझ में आए या ना आए, वो आज्ञा अच्छी लगे या ना लगे, उस आज्ञा का पालन हमारी जिम्मेदारी है। और यदि हम आज्ञा का पालन नहीं करेंगे तो मनुष्य जो बोएगा वो काटेगा। प्रभु की जो इच्छा है वो हमसे पूरी करवा के ही रहेंगे। क्या हुआ? प्रभु ने मनुष्य की भाषा में गड़बड़ी डाल दी। एक बोले तो दूसरे को समझ में ना आए, दूसरा बोले तो तीसरे को समझ में ना आए, और भाषा भी ऐसी ऐसी कि एक भाषा में आप सामान्य तरीके से बोल रहे हैं, दूसरे को लगता है कि वो झगड़ा कर रहा है। है अपने हिंदुस्तान में ही ऐसी भाषाएं हैं, जब उन भाषाओं में कोई बोलता है सामान्य तरीके से तो दूसरी भाषा के बोलने वाले को लगता है कि ये झगड़ा कर रहा है। ऐसा हुआ सालों पहले जब मैं और फादर एक बार चंबल के गाँव में प्रभु यीशु का शुभ संदेश सुनाने के लिए गए, तो मेरे फादर अंग्रेजी में बोल रहे थे और मैं उनका अनुवाद कर रहा था। बीच में एक आदमी ने आके रोक दिया, रुक जाओ, मेरे फादर को टोक दिया, आपके बगल में ये जो बच्चा खड़ा हुआ है आप इसको क्यों डांट रहे हैं? फिर मैंने कहा कि अरे माई बाप, वो डांट नहीं रहे हैं, वो अंग्रेजी में बोल रहे हैं और मैं आप लोगों के लिए उसका अनुवाद कर रहा। वो बोला अच्छा अच्छा अच्छा, मुझे लगा कि जबरदस्ती ये आदमी अपने बगल में खड़े हुए बच्चे को डांट रहा है। अच्छा अच्छा ठीक है ठीक है, आप अनुवाद कीजिए। देखिए,
एक भाषा में इतनी गड़बड़ी हो गई कि एक भाषा का बोलने वाला दूसरी भाषा को ना समझे। आज हिंदुस्तान में मुख्य भाषाएं जो हर जगह बोली जाती हैं वो 30 के करीब हैं और जनजातियों की भाषाएं 800 के करीब हैं। मतलब एक देश लेकिन इस देश में 800 के करीब भाषाएं। इसका रिजल्ट क्या हुआ? यदि सब लोग एक जगह रहना चाहें तो भी नहीं रह सकते, क्योंकि हर एक अपनी बोली के लोगों के साथ ज्यादा फिट बैठता है, उसके साथ उसकी संगति सही होती है। ये हम खुद जानते हैं। किसी भी बड़ी पार्टी में चले जाइए, वहां 10 भाषा बोलने वाले लोग हों तो अलग अलग भाषा बोलने वालों के झुंड अपने आप बन जाते हैं। मनुष्य की गलती नहीं है, यह स्वाभाविक है। आज से 4000 साल पहले प्रभु के द्वारा प्रदान की गई टेक्नोलॉजी, ईंटों को बनाना, मकान बनाना, प्रभु के द्वारा प्रदान की गई एक भाषा, एक बोली, इसका दुर्विनियोग करके, दुरुपयोग करके मनुष्य ने प्रभु की आज्ञा का लंघन किया और इस तरह की एक मीनार बनाने की कोशिश की जिसके द्वारा सदा सर्वदा वो प्रभु की आज्ञा का लंघन कर सके। नहीं कर सकता है मनुष्य, नहीं कर सकता है। प्रभु ने आकर उनकी भाषा में गड़बड़ी डाल दी और भाषा की ये जो विविधता है, ये तब तक ये विविधता रहेगी जब तक हम अनंत में प्रवेश ना करें। प्रभु ने प्रॉमिस किया था कि मैं बहुत जल्दी वापस आऊंगा। आज से कुछ हफ्तों पहले ये बात मैंने आपको बताई थी कि प्रभु यीशु का वचन है, प्रभु यीशु की वाचा है कि मैं वापस आऊंगा और तुम जो मेरे बच्चे हो जिन्होंने मुझ पर विश्वास किया है मैं तुमको अपने साथ ले जाऊंगा और मेरे वापस आने से पहले जो लोग मृत्यु पा चुके हैं मुझ पर विश्वास करने के बाद मृत्यु, मैं उनको पुनर्जीवित कर दूंगा। तुम सब एक साथ मेरे साथ रहोगे और मेरे साथ अनंत में प्रवेश करोगे। उस समय भाषा की यह समस्या सदा सर्वदा के लिए समाप्त हो जाएगी, लेकिन तब तक इस पृथ्वी पर फैल कर रहना हमारी जिम्मेदारी है। इसलिए प्रभु ने भाषा में यह गड़बड़ी आज से 4000 साल पहले पैदा की। तीन बातें इस भाग से, ये आज हमने जो पढ़ा है उसमें से देखते हैं। नंबर एक, मनुष्य के लिए सृष्टिकर्ता का एक डेफिनेट प्लान है। मनुष्य के लिए सृष्टिकर्ता की एक डेफिनेट, एक निश्चित योजना है। उस योजना के अंतर्गत ही सृष्टिकर्ता ने सब कुछ किया, यहां तक कि आकाश में वो जो सतरंगा धनुष है उस योजना के अंतर्गत प्रभु ने रखा वो धनुष। सर्वज्ञानी प्रभु को भी याद दिलाता है कि मैंने मनुष्य के साथ एक प्रॉमिस किया था। मनुष्य को भी ये बात याद दिलाता है कि प्रभु ने अपनी योजना के अनुसार मनुष्य के साथ एक प्रॉमिस किया था। प्रभु अपनी योजना को प्रकृति के द्वारा और अपने वचन के द्वारा बहुत स्पष्टतया हमको बताते हैं। यह है पहला पॉइंट जो आज मैं फिर से याद दिलाना चाहता हूं। दूसरी बात जो मैं याद दिलाना चाहता हूं, जब प्रभु अपनी आज्ञा स्पष्टतया हमको देते हैं तो उसमें से या उनमें से कुछ आज्ञाओं का कारण हम बहुत स्पष्टतया समझ लेते हैं, लेकिन कुछ आज्ञाओं का कारण हम समझ नहीं पाते। लेकिन समझ पाते हैं या नहीं पाते हैं, ना पाने के बावजूद यह हमारी जिम्मेदारी है कि यदि आज्ञा प्रभु ने दी है तो पालन हम करें, और मनुष्य यदि उसका पालन नहीं करेगा तो जैसा प्रभु के वचन में लिखा है, मनुष्य जो बोएगा वही काटेगा। आज सारी दुनिया में भाषा की ये जो विविधता है जिसके कारण हम एक दूसरे की नहीं समझ पाते, ये मनुष्य के बलवे के कारण, मनुष्य के पाप के कारण है। तीसरी बात जो आज हमको समझ लेनी चाहिए वो यह है कि प्रभु की आज्ञा है कि हम सारी दुनिया में फैल जाएं। इसके पीछे बहुत सारे कारण हैं, सारे कारण हम नहीं जानते लेकिन कुछ कारण हम जानते हैं। उदाहरण के लिए, आज
संसार में ऐसे कई देश हैं जहाँ पर प्रभु यीशु पर विश्वास करके प्रभु यीशु के अनुयायी के रूप में जीवन बिताना मुश्किल है। ईरान, इराक आदि देशों में बहुत ही नियमित रूप से प्रभु यीशु के शिष्यों की हत्या की जा रही है, बाकायदा हत्या की जा रही है। हमारे ही भारत के ही पूर्व और पश्चिम में ऐसे कई देश हैं जहां प्रभु यीशु के अनुयायियों की बाकायदा कानून के अंतर्गत हत्या की जा रही है, मार डाला जा रहा है। लेकिन दुनिया में भारत सहित ऐसे बहुत सारे देश हैं जहां पर कोई भी व्यक्ति प्रभु यीशु पर विश्वास करके प्रभु यीशु के अनुयायी के रूप में बहुत ही आज़ादी के साथ जीवन बिता सकता है। तो प्रभु ने ये जो आज्ञा दी थी उसके कई कारण हम नहीं जानते, लेकिन कम से कम एक कारण जानते हैं, और वो ये है कि प्रभु पर विश्वास करने, प्रभु के पीछे चलने, प्रभु का अनुकरण करने के लिए आज़ादी होनी चाहिए। और जब मनुष्य सारी पृथ्वी पर फैलकर विविध जातियों, विविध संस्कारों और विविध राष्ट्रों के रूप में जिएगा, तो कुछ राष्ट्रों में विरोध होगा, तो अभी कुछ राष्ट्रों में आज़ादी होगी और लोग भागकर उन राष्ट्रों में जाकर बच सकते हैं। बहुत सारे प्रभु यीशु के अनुयायी आजकल ये जो पीड़ित, जहां उनको पीड़ा दी जा रही है, इन देशों से भाग भाग कर आजकल यूरोपीय देशों में आश्रय पा रहे हैं, जहां पर वे प्रभु यीशु के अनुयायी के रूप में जीवन बिता रहे हैं। तो प्रभु जो आज्ञा देते हैं वो आज्ञा हमको समझ में आए या ना आए, उसका पालन करना जरूरी है। आज जो तीन बातें मैंने आपको याद दिलाई थी, एक बार और फिर से मैं रिवाइज करना चाहता हूँ जिससे कि वो हमारे मनों में अच्छी तरह से बैठ जाए। पहली बात यह है कि प्रभु अपने बच्चों को जो आज्ञा देते हैं वो आज्ञा बहुत ही स्पष्ट तरीके से अपने वचन में हमको देते हैं। दूसरी बात, उनमें से कुछ आज्ञाएं जिनको हम नहीं समझ पाते हैं, समझे या ना समझे, उनका पालन हमारा जरूरी है, हमारे लिए जरूरी है। हम यदि उनका उल्लंघन करेंगे तो मनुष्य जो बोएगा वही काटेगा। तीसरी बात यह है कि प्रभु ने जो भी आज्ञाएं दी है उन सब के पीछे एक कारण है। कारण यह है कि हम में से हर एक की सुरक्षा करना चाहते हैं, हम में से हर एक के जीवन में प्रभु की एक योजना है, और उस योजना के कारण प्रभु यह सब करते हैं। इन सब बातों को समझने के लिए और प्रभु की इच्छा के अनुसार जीवन बिताने के लिए प्रभु हम में से हर एक की मदद करें। जय मसीह की।